एवरीवन, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर वन जो कि यूट्यूब पे है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आइए, जो हमारा ये हमारा सेशन है, ये डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर रहता है। साथियों, आप सभी लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। तो आइए चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। साथियों, जो हमारा इस पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। साथियों, बिहार में किया है मोदी जी ने। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। आइए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है। साथियों, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। साथियों, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश थाईलैंड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड जो कि है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथियों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। साथियों, ईरान से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर चार है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर चार का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जून। साथियों, 19 जून को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच, साथियों, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक के MD या फिर CEO के रूप में नियुक्त किया गया। साथियों, जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत कुमार केके को। साथियों, अजीत कुमार केके को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छः, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। साथियों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर छः है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साथियों, 19 जून। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। साथियों, ऑप्शन नंबर बी, 19 जून को मनाया गया। साथियों, इसका